नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। झांसी जिले के एच कस्बे में एक लड़की के द्वारा कक्षा 11 की छात्रा थी छेड़खानी के विरोध में आत्महत्या किए जाने की घटना का सोशल मीडिया के द्वारा मेरे संज्ञान में आना हुआ। आज उक्त घटना को लेकर घटनास्थल पर परिवार के सदस्यों एवं विवेचना अधिकारी और अन्य संबंधित लोगों से जानकारी हासिल की। हर संभव सहायता, हर संभव सुरक्षा और हर हालत में इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा उस बच्ची को। अगर इस तरीके का कोई कृत्य है तो ये अचंभ है, और इस तरीके के कृत्य की कहीं कोई बच्चियों को किसी तरीके से असुरक्षित है वो, या किसी भी तरीके की उनको कोई छेड़खानी होती है उनके साथ में, या कोई हिंसा अपराध, या कहीं भी कोई लड़कियों के साथ में उत्पीड़न होता है, तो ये सरकार उसे और महिला आयोग उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस हर संभव इसमें सहायता करती हैगी, सहयोग करती हैगी, और मैं देख रही हूँ पूरे उत्तर प्रदेश भर में कि पुलिस की भूमिका ऐसे चीज़ के लिए, अभी मिशन शक्ति के द्वारा आपने देखा होगा कि लगातार नारी सुरक्षा की सरकार बात करती है, हम लोग बात करते हैं, और पुलिस का हर तरीके से सहयोग उसमें मिलता हैगा। प्रदेश में महिलाओं के साथ घटना बढ़ रही है, संबंध में क्या करेंगे? देखिए, विभिन्न प्रकार की घटनाओं में स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती हैं। आज यही घटना है, इसमें एकदम स्थिति अलग है। आप अगर पीछे की अन्य घटनाओं की बात कर रहे हैं, चाहे झांसी की हो या हाथरस की हो या अन्य अन्य जगह की हो, घटनाओं की स्थिति और परिस्थिति एकदम अलग होती है, लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में उसमें अपना दी बेस्ट करती है। सरकार की भी हर संभव ये कोशिश है कि इस तरीके के अपराध ना होने पाए, और रोकने में वो हर तरीके से जो ऐसे अपराध हैं वो सफल होती है सरकार हमारी।